बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो डॉक्स जो माइनिंग ऐप है, इस विड्रा जो है हम किस तरह ले सकते हैं और किस एक्सचेंज या वॉलेट में जो है हम किस तरह इसको ले सकते हैं। वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करना, वीडियो को जो है लास्ट तक पूरा देखना, ठीक है ना। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो के अंदर जो है हर चीज़ आपको समझाने वाला हूँ कि आपने किस तरह इसमें एड्रेस लगाना और मेमो क्या होता है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको समझा देता हूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है डिपॉजिट टू एक्सचेंज, आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो है नीचे ऊपर एक्सचेंज, अगर आप एक्सचेंज में लेना चाहते हैं यहाँ पे तो आपका एक्सचेंज ही सिलेक्ट होना चाहिए। अगर वॉलेट में लेना चाहते हैं वॉलेट को फिर आपने सेलेक्ट करना है, तो मैं एक्सचेंज में लूँगा, ठीक है। मैं नीचे से यहाँ पर कंटिन्यू कर दूँगा। कंटिन्यू करने के बाद उसके बाद ये बोल रहा है कि ओके एक्स या बायबिट, तो मैं जो है OKX एक्सचेंज के अंदर मैं लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे सेंड हेयर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहा है डू यू हैव एन OKX अकाउंट, तो नीचे जो है मैं यहाँ पे लिखा हुआ येस आई हैव, अगर आपके पास है तो आप लिखें येस आई हैव इट, ठीक है। आपने यहाँ पे क्लिक कर देना। अच्छा, ये यहाँ पे ये कह रहा है, यहाँ पे ये तीन ऑप्शन दे रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने OKX जो आपकी एक्सचेंज है उसकी आपने UID भी यहाँ पे डालनी है, ठीक है। यहाँ पे आएगी UID और यहाँ पे आएगा डिपॉजिट एड्रेस और यहाँ पे आएगा मेमो। तो ये तीनों चीज़ें जो है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि आपने किस तरह लगानी है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपको कहाँ कहाँ मिलेगी तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने जाना है अपने OKX एक्सचेंज के अंदर, ठीक है। यहाँ पे जो है OKX एक्सचेंज के अंदर में आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये जो ऊपर आपने ये देखना है कि ये एक्सचेंज ही सिलेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना, ये वॉलेट नहीं हो, ठीक है। एक्सचेंज होगा तो फिर आपको UID और डिपॉजिट एड्रेस मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे ऊपर जो ये जो डॉट बने हुए हैं, ठीक है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पर ये मेरी प्रोफाइल आ गई, ठीक है। आपने फिर प्रोफाइल पर क्लिक करना है, यहाँ पर ऊपर वापस आके मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ठीक है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे जो है यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहे होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये जो है ये UID यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने इसको कॉपी कर देना है, इसको कॉपी करना है। इसको कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर आके उसको पेस्ट कर देना है। ये आपने इसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने दोबारा वापस एक्सचेंज के अंदर जाना है, ठीक है। आपने यहाँ से बैक आ जाना है, यहाँ से बैक आएंगे उसके बाद यहाँ पे नीचे एसेट्स में जाएंगे। एसेट्स में जाने के बाद आपने ये ऊपर डिपॉजिट लिखा हुआ है, ठीक है, आपने यहाँ पे डिपॉजिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं डिपॉजिट पे क्लिक करता हूँ। अब ये कह रहा है कि डिपॉजिट क्रिप्टो, तो उसके बाद ये डिपॉजिट क्रिप्टो पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर डॉग आप ऊपर यहाँ पर सर्च कर दें, ठीक है। यहाँ पर मैं डॉग सर्च कर देता हूँ, ये देखें यहाँ पर ये डॉग्स आ गए। डॉक्स पे आपने क्लिक करना है, डॉक्स टोन टोन की ब्लॉकचेन पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये देखें ये एड्रेस, ठीक है, ये एड्रेस है, आपने इसको कॉपी करना है। इसको कॉपी करने के बाद आपने वापस इधर आना है, सेकंड वाले में आपने इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद दोबारा आपने फिर इधर जाना है, यहाँ पर जाके अब ये जो नीचे लिखा हुआ है ना कॉमेंट, ठीक है, आपने इसको कॉपी करना। ये है हमारा मेमो, वहाँ पे जो मेमो शो कर रहा ना वो मेमो ये है, ठीक है। आपने यहाँ से जाना है वापस वहाँ पे जाके इसको भी यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। ये पेस्ट तो नहीं हो रहा, खैर यहाँ पे हमने इसको देख के लिखना पड़ेगा। तो जी दोस्तों, यहाँ पे आपने ज़रा सी भी गलती नहीं करनी, आपने ये सारी चीज़ें यहाँ पर लगाने के बाद एक दफ़ा आपने इसको वेरीफाई ज़रूर कर लेना है, ठीक है ना। किसी में भी चीज़ में गलती या मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अगर गलती या मिस्टेक हो गई तो आप जो है इसको खो दोगे, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, आपने एक दफ़ा इसको वेरीफाई कर लेना, मैं भी इसको एक दफ़ा वेरीफाई कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बता। जी दोस्तों, मैंने यहाँ पे सारा कंफर्म कर दिया है, आप भी कन्फर्म कर लोगे। जब कन्फर्म करोगे तो उसके बाद यहाँ पर आपने नीचे सेंड पर क्लिक करना है। तो अब यहाँ पर इसने दोबारा आपको जो है दोबारा यहाँ पर जो है एक बार फिर ये आपको यहाँ पे ये कह रहा है कि आप यहाँ पे एक दफ़ा इसको चेकिंग कर लें। और दूसरा ऑप्शन जो है नीचे जो ये वाला ऑप्शन है, तो इस पर क्या कह रहा है कि आपकी KYC पास्ट ओनली, अगर आपने इसमें वेरीफाई किया हुआ है आपका अकाउंट KYC हुई पड़ी है तो आप फिर इसमें जो है लगा के अपना विड्रा ले सकते हैं। अगर आपकी एक्सचेंज वेरीफाई नहीं हुई पड़ी तो फिर आपको विड्रा नहीं मिलेगा, ठीक है। आपने ये सारे जो आपकी चीज़ें कम्प्लीट हो तो उसके बाद आपने यहाँ पर नीचे लिख कर देना है आई कन्फर्म।
यहाँ पे आपने लगा देना, लगाने के बाद आपने कर देना है आई कंफर्म, और उसके बाद डिपॉजिट इन प्रोग्रेस, अब आपका प्रोग्रेस के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे ये देखो मेरे यहाँ पे प्रोसेस के अंदर चले गए, ये जो है 20 अगस्त को जो है मेरे को एक्सचेंज के अंदर मुझे रिसीव हो जाएंगे, और 20 डेट को इसकी लिस्टिंग है, तो वो भी जो है मैं आपको आगे चल के अपडेट करता रहूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मेरा टेलीग्राम का चैनल वो भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें भी जो है मैं क्रिप्टो से रिलेटेड जो डेली मैं अपडेट प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।